सो इन दिस वीडियो मैं आपको वर्चुअलाइजेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम वर्किंग ऑन यूबंटू मशीन। आई एम वर्किंग ऑन यूबंटू मशीन। सो इसमें मैंने अब वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। वर्चुअल बॉक्स इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे मैं सारे एप्लीकेशन जो भी मेरी यूबंटू मशीन पे इंस्टॉल्ड है उनको देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और सर्च भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो वर्चुअल बॉक्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस मशीन पे इंस्टॉल किया हुआ है। सो सेम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं उसके लिए। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होम स्क्रीन आता है ये वर्चुअल बॉक्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू, सेटिंग्स, स्टार्ट, डिस्कार्ड, डिटेल्स, वेलकम टू वर्चुअल बॉक्स, ये बताया हुआ है वर्चुअल बॉक्स के बारे में थोड़ा कुछ। सो सबसे पहले जैसे कि अभी मैं यूबंटू में काम कर रहा हूँ बट मेरे को इसी मशीन पे रेड हैट सर्वर भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, न्यू, न्यू पे जाके मैं क्या बनाऊँगा, एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो जिसमें इंस्टॉल करेंगे हम उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। सपोज मेरे को इसमें तीन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, दैट मीन्स मुझे तीन वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेंगी। सो वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड। नेक्स्ट, वर्चुअल मशीन का नाम देना है। सपोज मैं दे देता हूँ नेटवर्क हब सर्वर लाइनेक्स, और इसमें जाके मैं कर देता हूँ रेड हैट। राइट, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नया नाम दिखाएगा आपकी मशीन का वो आएगा यहाँ पे, और किस टाइप की आपकी मशीन है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। देन हम अगेन, अगर मेरे को सपोज विंडोज़ के लिए चाहिए होता तो मैं यहाँ से जाके विंडोज़, और विंडोज़ में मेरे को जो विंडोज़ सेलेक्ट करना होता वो भी कर सकता था मैं। तो लाइनेक्स एंड रेड हैट, नेक्स्ट। देन इट आस्क फॉर द बेस मेमोरी, बेस मेमोरी, और यू कैन सी द सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ रैम इन मेगाबाइट्स टू बी एलोकेटेड टू द वर्चुअल मशीन। अभी मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूँ इसमें जो मेमोरी है दैट इज़ 1.5 GB, यूबंटू को मैंने 2 GB दी हुई है। सो आई विल बी एलोकेटिंग 512 MB, दैट इज़ रिकमेंडेड बाय सिस्टम मेमोरी। रेड हैट को अगर हम इंस्टॉल करना चाहें तो 256 MB रैम पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, बट अपने 512 MB ले लेते हैं, नो इश्यूज़। देन इट आस्क फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क, सेलेक्ट द वर्चुअल हार्ड डिस्क टू बी यूज एज द बूट हार्ड डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू हार्ड डिस्क जैसे हमारी मशीन्स में होती है, फिजिकल हार्ड डिस्क होती हैं, ये सेम है। सो इसमें ये पूछता है कि आपको कोई नई हार्ड डिस्क बनानी है या कि आपने कोई ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क बनाई हुई है उसको यूज़ करना है। सिंस हमने वर्चुअल बॉक्स को अभी इंस्टॉल किया है सो वी विल बी क्रिएटिंग न्यू हार्ड डिस्क। क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क, नेक्स्ट। ये नई विज़र्ड स्टार्ट हुई है जो कि आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, नेक्स्ट। देन ये पूछता है कि आपको जो हार्ड डिस्क बनानी है वो किस टाइप की चाहिए, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग स्टोरेज, जैसे कि आपका स्टोरेज बढ़ता जाए तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाए, या फिर फिक्स साइज़ स्टोरेज, जैसे कि मैंने अगर एक बार 5 GB दे दिया तो वो 5 GB ही रहेगा, उसमें अलार्म कर देगा देन जब उसका स्पेस फुल होने वाला होगा। तो अपने फिक्स साइज़ ले लेते हैं जिससे कि हम मॉनिटर कर सकें हमारी हार्ड डिस्क वेस्टेज ना हो, नेक्स्ट। नेटवर्क हब सर्वर 8 GB, बाय डिफ़ॉल्ट ही 8 GB दे सकता है, अगर मेरे को देना